हेलो नमस्ते जी, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो अपर शिमला की खूबसूरत वादियों से आप सभी लोगों का स्वागत है। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मेरे पीछे बर्फ़बारी काफ़ी ज़्यादा हुई है यहाँ पे पिछले कल और आज भी चोटियों में हो रही है। बट यहाँ पर हमारे यहाँ पर भी सुबह से लेकर के हल्के हल्के फाहे पड़ रहे हैं, पर जो सेट होनी होने के लिए जितनी बर्फ़बारी ज़रूरी होती है ना, उतनी नहीं हो रही है। और साथ में ठंड, अगर मैं बताऊँ तो बहुत ही ज़्यादा ठंड यहाँ पर पड़ गई है। इवन जो हवाएँ चल रही है, जो बर्फीली हवाएं हैं चोटियों से जो आ रही है ना, वो इतनी ज़्यादा ठंडी है कि मतलब आपकी सांस रुक जाए, इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है। आई थिंक टेम्परेचर भी माइनस में चला गया होगा, -1 -2 के लगभग टेम्परेचर होगा। बाकी मैं एग्जैक्टली बता दूंगी इसमें कि कितना शो कर रहा है। और हम लोग सभी सुबह से लेकर के ना मतलब तंदूर के पास पैक हुए हैं किचन में, जहाँ पे कि हम लोगों का जो तंदूर होता है वो लगा होता है, और किचन एकदम से गर्म रहता है। तो सभी लोग सुबह से लेकर किचन में ही हैं। और अभी हम लोग किचन में बनाने वाले हैं जो पम्पकिन होता है ना, उसको स्टीम करके खाने वाले हैं। ये जो स्टीम्ड पम्पकिन होते हैं ना, ये हमारे यहाँ की पुराने टाइम से लेकर चली आ रही एक डिश है, पारंपरिक डिश या फिर ट्रेडिशनल डिश आप इसे कह सकते हैं। तो सर्दियों में हमेशा ही हम लोग इसे बनाते हैं, बट इस बार अभी तक हमने बनाई नहीं है, क्योंकि इस साल के कंपैरिजन में अगर बताएं तो इस बार ठंड भी कंपैरेटिवली कम थी। अभी 2-4 दिनों से ही जो एक्चुअल में सर्दियों वाली ठंड है ना, वो लग रही है। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए, मतलब सांस सूख रही मेरी ठंड में यहाँ पर, अभी फ़िलहाल चलते हैं किचन में और फिर करते हैं वहाँ पर तैयारियाँ। तो चलिए जी, शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को। तो ये देखिए जी, यहाँ से जो चोटियाँ हैं ना, चोटियों में काफ़ी बर्फबारी हुई है, और सुबह के टाइम में तो काफ़ी ज़्यादा थी, अभी थोड़ी कम हो गई है। और ये देखिए इधर चोटियाँ, अभी भी चोटियों में ना बर्फबारी हो रही है। यहाँ पे भी हल्के हल्के फाहे पड़ रहे हैं कैमरा में, पर ये कैप्चर नहीं हो पा रहे, बिल्कुल पतले पतले से छोटे छोटे से बर्फ़ के फाहे पड़ रहे हैं। तो ये देखिए जी, ये है हमारे पास पम्पकिन, पेठा हम लोग इसको बोलते हैं वैसे यहाँ पे ये, क्योंकि वाइट से कलर का होता है। तो ये खाने में इसका जो टेस्ट होता है ना, वो मीठा होता है, यानी कि जो नॉर्मल पम्पकिन होते हैं वो थोड़े से फीके होते हैं, उससे थोड़ा सा इसका जो टेस्ट रहता है ना, वो थोड़ा मीठा रहता है। तो अभी फ़िलहाल काटते हैं इसको। क्या दादी, काट के दिखाती हूँ। 1 2 3 ये लो जी, है दादी ऑरेंज। वाह, ये देखो जी अंदर से जितना मतलब ये ऑरेंज रेडिश कलर का होगा ना, उतना ये मीठा होगा खाने में, उतना टेस्टी होगा खाने में। तो ये हाँ, खुशबू भी बहुत अच्छी है, तो लग रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होने वाला है। तो इसके अंदर भी ना बीज रहते हैं सेम जैसे पम्पकिन सीड्स पम्पकिन में रहते हैं ना, दिखाए थे मैंने आपको लास्ट वीडियो में आई थिंक। सुनिए, एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हम लोग ये कद्दू को उबाल कर खाते हैं ना, ये हमारे खाने में पहाड़ों में मैक्सिमम जगह पर ये बनाया जाता है, और बहुत पुराने समय से हमारी डाइट का ये एक हिस्सा है, और हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल ये रहता है। एंड अगर हमारी डाइट अच्छी रहती है ना, तो ऑब्वियसली हमारी जो स्किन होती है, हमारे जो हेयर होते हैं वो भी हेल्दी रहते हैं। सो अगर आपको एक हेल्दी स्किन एंड हेल्दी हेयर आपको चाहिए, तो डेफिनेटली आपको एक बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी। और आप लोगों को पता है कि मैं काफी टाइम से लेकर के क्योर स्किन के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ, और क्योर स्किन के ऊपर ना मुझे इन चीज़ों की कोई भी दिक्कत नहीं आती, मुझे किसी भी डाइटिशियन से कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। मुझे क्योर स्किन के ऊपर ही जो मेरे डॉक्टर्स हैं, पर्सनल काउंसलर हैं, वो एक बढ़िया सी डाइट बना के दे देते हैं, जिसे कि मैं फॉलो कर रही हूँ। एंड आजकल हमारे यहाँ पे शिमला में ना बहुत ही ज़्यादा ठंड है, और ठंड के दिनों में हम लोग जो पानी होता है ना, वो प्रॉपरली कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ठंड के दिनों में ना पानी पीने का बिल्कुल ही मन ही नहीं होता। वो क्योर स्किन ने जो आजकल मुझे डाइट दी है, वो ठंड के हिसाब से बनाई गई है। एंड इसके अलावा वो और भी बहुत सारी चीजें आपको बताते हैं, लाइक आपकी जो रूटीन रहती है, आपकी जो स्किन अपीयरेंस है, उसमें आपकी जो डेली की रूटीन होती है, उसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अगर आप लोग प्रॉपर बिल्कुल टाइम पे खाना खाते हैं, प्रॉपरली आप वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, प्रॉपर आप 6 से 8 घंटे की नींद लेते हैं, तो डेफिनेटली आपकी जो स्किन होगी वो स्मूदर होगी, हेल्दियर होगी, शाइनर होगी। और इसके अलावा और भी बहुत सी छोटी छोटी बातें, जैसे कि आप जिस पिलो पे सोते हैं उसके जो कवर होता है ना, वो आपको टाइम टाइम पे चेंज करने चाहिए, और जो बेडशीट होती है वो भी क्लीन रहनी चाहिए, क्योंकि अगर ये सब चीजें क्लीन नहीं होंगी ना, तो आपकी स्किन के जो पोर्स होते हैं उसमें डस्ट डस्ट जो होती है, जो गंदगी होती है, वो घुस जाती है, और आपको पिंपल्स या एक्ने की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, आपको रैशेज आ जाते हैं, लाइन्स आ जाती है, जिससे कि आपकी स्किन के जो नेचुरल बैरियर्स होते हैं ना, वो वीक हो जाते हैं। और मुझे इससे पहले इस चीज का पता नहीं था, एंड जो स्किन होती है ना आपकी, वो भी वहां से टैन
होने लग जाती है, जहां से आपके जो स्किन बैरियर जो वीक हो जाते हैं उसकी वजह से स्किन टैनिंग की प्रॉब्लम आपको आती है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम आपको आती है। तो इस तरह की छोटी छोटी सी बातें होती है जो कि प्योर स्किन आपको बताता है। अभी आज के टाइम में मुझे अपनी छोटी से छोटी फेस की प्रॉब्लम्स के लिए ना डॉक्टर्स के पास या फिर कहीं स्किन स्पेशलिस्ट के पास टाइम निकाल कर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे जो क्योर स्किन है क्योर स्किन के ऊपर ही अपनी सारी की सारी क्वेरीज और सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं, क्योंकि मैं काफी टाइम से लेकर इसे फॉलो कर रही हूँ और टाइम टाइम पे मेरे जो फॉलोअप्स होते हैं वो होते रहते हैं। और अगर एक बार आप लोग किट लेते हैं ना उसके बाद आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है, जो भी आपकी क्वेरीज है क्वेश्चंस है स्किन से रिलेटेड वो आप उनसे पूछ सकते हैं। और अभी मेरी जो किट है ना वो खत्म हो चुकी है, तो अभी मुझे दोबारा से ऑर्डर करनी है। एंड आई थिंक कि लगभग 3 महीने जो मेरी किट है वो इजिली चली है, मतलब 2.5 महीने तो बिल्कुल अच्छे से मेरी जो किट है पूरा उसने 2.5 महीने तो अच्छे से निकाल दिए थे। तो अभी मैंने फिर से ये किट अपनी ऑर्डर करनी है और जो अपनी स्किन है ना इसकी पूरी की पूरी अच्छे से केयर करनी है। इसके अलावा जो क्योर स्किन के प्रोडक्ट्स रहते हैं ना ये कम्प्लीटली कस्टमाइज रहते हैं, यानी कि आपकी स्किन के लिए जो सबसे बेस्ट है वही डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करते हैं एंड वही प्रोडक्ट्स वो आपको देते हैं। एंड कोई भी आपको इससे साइड इफेक्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स होंगे ना ये जो प्रोडक्ट्स होंगे वो बिल्कुल आपकी स्किन और आपकी जो हेल्थ कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट्स बनाए होते हैं, तो जल्दी से जल्दी ये प्रोडक्ट्स आपको रिजल्ट्स देते हैं। एंड पर्सनली अगर मैं अपना बताऊं तो मुझे क्योर स्किन से बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, मेरी जो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम थी पहले से काफी ज्यादा कम वो हो गई है। एंड जैसे ही मुझे टाइम मिलता है 2-3 दिन बाद मैं अपने फेस का स्किन एनालिसिस करवा देती हूँ, जो कि बिल्कुल फ्री होता है, और इससे मुझे ये पता चलता है कि मेरी जो स्किन है ना वो पहले कैसी थी और अभी मतलब कितनी इंप्रूवमेंट हो रही है स्किन में, जो भी आपके प्रॉब्लम्स है कितनी वो प्रॉब्लम्स रह गई है और कितनी इंप्रूवमेंट इसमें हुई है। सो गाइस अगर आप लोगों को भी स्किन या हेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आप लोग क्योर स्किन ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको क्योर स्किन ऐप को डाउनलोड करना है तो जो मेरा टाइटल है उसके ऊपर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा और वहां से आपको इसका लिंक मिल जाएगा, और इसके अलावा मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगी तो वहां से भी आपको ये लिंक मिल जाएगा। और इसके साथ एक गुड न्यूज ये है कि स्क्रीन के ऊपर आपको जो मेरा कूपन कोड शो हो रहा है अगर वो आप लोग यूज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 270 रुपीज डिस्काउंट देखने को मिलेगा। जी हाँ, बट ये जो ऑफर है वैलिड होगा सिर्फ फर्स्ट 300 सब्सक्राइबर्स के लिए जो कि इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। सो दैट्स ऑल, चलिए कंटिन्यू करते हैं आज के ब्लॉग को। दादी आराम से। अच्छा तो हाँ, तो इस तरह के पीसेस कट करने हैं हमने इसके। ऐसे बनाया अभी। अच्छा जी, ठीक है। हाँ ठीक है, तो इस तरह के पीसेस काट के ना हम लोग इसको रख देंगे स्टीमर में, इतने इतने पीसेस करने नहीं, ये इतना ज्यादा ऑरेंज नहीं लग रहा, बट हाँ देखो कितने सारे बीज निकले, 2 से ही। सो अभी आग जला लेते हैं तंदूर में, और आजकल तंदूर सर्दियों में जला ही होता है किचन में, तो एनर्जी क्यों वेस्ट करनी, इसी के ऊपर हम लोग अभी ये स्टीम करेंगे पम्पकिंस को। और यहाँ पर ना यार एक प्रॉब्लम होगी, एक्चुअली आज के व्लॉग में मैं यूज़ कर रही थी माइक का और ये पता नहीं कब डेड हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। और इसके बाद के आगे व्लॉग में ना मतलब ये कनेक्टेड ही था बट ये डेड हो चुका था और इसमें आगे कोई भी वॉइस नहीं आई, नेचुरल वॉइस नहीं आई। अब वॉइस ओवर करके ही ये व्लॉग को कम्प्लीट करना पड़ेगा, इसके आगे इसमें वॉइस ही नहीं है। और जब भी मैं एडिट कर रही थी ना तभी मैंने चेक किया कि यार ये क्या हो गया, मतलब ज़मीन खिसक गई मेरे पैरों तले से, कितनी मेहनत करके साउंड ही नहीं आई। इससे अच्छा माइक अगर यूज़ ही ना करती तो नेचुरल साउंड तो आती, आ ही जाती, कम आती बट ठीक आती। सो ये जो स्टीमर है ना इसका यूज़ मेनली हम लोग सिड्डू पकाने के लिए करते हैं, बट अभी इसमें पम्पकिन स्टीम हो रहे हैं और इसमें जो सबसे नीचे वाला बर्तन होता है इसमें हम लोग पानी डालते हैं, गर्म पानी, ठंडा भी डाल सकते हैं बट गर्म पानी से थोड़ा जल्दी पक जाती हैं चीज़ें। तो ये देखिए अभी इसमें पम्पकिन स्टीम होंगे। सो ये पक चुके हैं हमारे पम्पकिंस, और तंदूर के ऊपर ना कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा है गैस से, और अभी सभी लोगों को टेस्ट करवाते हैं ज़रा कैसे लगे। अभी यार इसमें ना मेरी कोई भी तारीफ़ आप लोगों को नहीं सुनने को मिलेगी क्योंकि म्यूट हो चुका था, बट सभी लोगों को बहुत अच्छे लगे, सभी ने कहा कि काफ़ी बढ़िया बने हुए हैं। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी
ऐसी जीत चाहे जिंदगी है। एंड इस बार ना बहुत कम बर्फबारी हुई है और ये जो ब्लॉग है ये मैंने शूट करा था 20 जनवरी को और उस दिन बर्फबारी हुई थी चोटियों में, हमारे यहाँ पे भी हल्की हल्की हुई थी, बट उसके बाद से अभी तक ना कोई बर्फबारी नहीं हुई है। बट आज मौसम थोड़ा सा ख़राब है, नेट में बताया कि अगले एक दो दिनों में शायद बर्फबारी हो। सो उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही बर्फबारी हो। एंड आज का ब्लॉग आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।